उस तो इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने एक्सिस बैंक के सेविंग अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो। सो इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। अब दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग कैसे अपने एक्सिस बैंक सेविंग अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो, यानी कि रीसेंट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स देख सकते हो। सो उसको करने के लिए आप लोगों को कोई भी मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। सो आप लोगों का जो भी बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक नंबर दिख रहा है, आप लोगों को 1800-419-6969 इस नंबर पे आप लोगों को कॉल कर लेना है आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से। इसके बाद जैसे आप लोग इस पर कॉल करेंगे आप लोगों का कॉल यहां पर डिस्कनेक्ट हो जाए। तो जैसा कि आप लोग देख पाए हैं कि यहाँ पर कॉल तो लगता है लेकिन इंस्टेंट ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो अब आप लोगों का यहाँ पर काम जो था वो फिनिश हो चुका है। अब आप लोगों को करना ये है कि ये स्टेटमेंट देखने के लिए अब आप लोगों को अपनी जीमेल की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों का जो भी बैंक अकाउंट में आप लोगों का ईमेल रजिस्टर्ड होगा आप लोगों को उसी ईमेल को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आप लोगों को रिफ्रेश करना है। सो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर एक ईमेल हमें रिसीव हो चुका है। सो यहाँ पर इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है योर लास्ट 3 ट्रांजैक्शन डिटेल्स। सो यहाँ पर देख पाएंगे कि यह अभी आया हुआ है आज की ही डेट में। सो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर इसको जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। सो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपके अकाउंट का लास्ट 3 ट्रांजैक्शन की डिटेल आप लोग जो किए हैं ट्रांजैक्शन वो यहाँ पर डिटेल्स शो हो रही है। सो दोस्तों ऐसे ही आप लोग बहुत ही आसानी से अपने एक्सिस बैंक का मिनी स्टेटमेंट देख सकते हो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।